हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स डिस्कस फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश एंड वर्कशीट नंबर 71 एंड दिस इज फॉर 23rd ऑफ दिसंबर 2020। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा पर्यावरण। पर्यावरण क्या है, क्योंकि इसके अंदर हमें आज पढ़ने को मिलेगा ओजोन परत। बेसिकली ओजोन परत के क्या क्या कारण है, जो उसमें ओजोन लेयर में जो क्षरण हो रहा है, ठीक है, ओजोन का निर्माण कैसे होता है और खाद्य जाल क्या होता है, ये तीन पॉइंट हम इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे खाद्य जाल क्या होता है, खाद्य जाल आप देख पा रहे हैं, प्रकृति में विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई तथा जटिलता में काफ़ी अंतर होता है। आमतौर पर एक जीव दो या दो से अधिक जीवों द्वारा खाया जाता है, अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के बीच आहार संबंध क्या होते हैं, शाखान्वित होते हैं तथा एक जाल बनते हैं। इसे ही हम खाद्य जाल कहते हैं, अर्थात ये बोर्ड के एग्जाम में 1 मार्क्स में आ सकता है आपको, जो खाद्य जाल क्या होता है, ठीक है। लेकिन ये जो फिगर है ये नहीं आता आपको, ठीक है। अब देखिए, ये अब आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूँ, जैसा कि आप देने देखा होगा कीड़े मकोड़े को क्या पक्षियाँ पक्षी वगैरह खाते हैं, ठीक है। हिरन को शेर खा जाता है, ठीक है, घास को गाय खा जाती है, गाय को हिरन वो शेर खा जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है ना, मछली को, छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है। तो ये एक खाद्य जाल के अंतर्गत ये आहार श्रृंखला है, राइट। अब देखिए, हमारी क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते तथा हमारी क्रियाकलाप पर्यावरण को जो प्रभावित करते हैं, और मानव क्रियाकलाप प्रदूषण तथा वन उन्मूलन जैसी समस्याओं को उत्पन्न करता है, राइट। हम दो प्रमुख पर्यावरण की समस्याओं पर अध्ययन करेंगे, ओजोन परत का ह्रास तथा कचरा निपटारा। लेकिन इस वर्कशीट में हमें ओजोन परत के ह्रास के बारे में ही पढ़ना है, राइट। अब देखिए, आपने जो जैसे ओजोन परत होता क्या है, पहले इसको हमें समझना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षा परत है, यानी कि पृथ्वी पर जो सूर्य से निकली हुई प्रकाश की जो विकिरण है, वो जो यूवी रेज होता है, जो हमारे लिए हानिकारक होता है, जिससे अगर मनुष्य के अगर हृदय मतलब बॉडी के ऊपर आ जाए तो कैंसर, त्वचा का कैंसर हो जाता है, बहुत तरह तरह की बीमारी हो जाती है, जिससे हमें सुरक्षा प्रदान में होती है। तो ये हमें ओजोन परत क्या करते, इस तरह की सूर्य की प्रबैंगनी किरणों से हमें बचाता है, ठीक है। प्रबैंगनी किरणों यानी हानिकारक होता है, और उसे जो उस किरणों को जो ओजोन परत है वो अवशोषित कर लेता है, राइट। क्योंकि इसी हानियाँ से जो है ना, हमारा जो ओजोन परत समताप मंडल में होता है, इसीलिए, राइट। अब ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि अधिक ऊर्जा अधिक युक्त प्रबैंगनी किरणें यानी ऑक्सीजन को ऑक्सीजन परमाणु में विखंडित कर देता है, यानी O2 यानी यूवी रेज जब आएगा, जैसे आप यूवी रेज क्या होता है, वो बहुत ही डेंजरस यूवी रेज होता है हमारे ह्यूमन बींग के लिए और हेल्थ के लिए, राइट। तो ये O+O यानी कि O2 का कॉम्बिनेशन होता है, और ऑक्सीजन परमाणु क्या होता है, ऑक्सीजन अणु के साथ मिलकर ओजोन बनाता है, यानी O2 फिर एक ऑक्सीजन मिलेगा, तो ये O3, जिसे हम ओजोन फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं, राइट। अब देखिए, ओजोन का ह्रास कैसे होता है ये हमें, और ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मेनली 2 मार्क्स के, ठीक है। तो ओजोन परत का ह्रास, ओजोन परत के ह्रास का मुख्य कारण CFC है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जैसा कि आपके घर में भी कुछ बच्चे हैं उन होते हैं, ठीक है, या हर एक फैमिली के घर में क्या होता है, जो मोस्टली आपने देखा होगा AC होगा, कूलर हो, फ्रिज होगा, इन सब में जो क्या होता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, ठीक है, जो हमारे जो ओजोन लेयर है उसको काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। तो इस ओजोन लेयर को जो है ना क्या है, बचाना है हमें, और ये कैसे, क्योंकि अगर हम मनुष्य, दूसरा रीजन ये भी है जो लगातार पेड़ काटते जा रहे हैं, हमारा जो वातावरण है वो काफ़ी प्रदूषित हो गया, और प्रदूषण भी इसका एक समस्या हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आप देख रहे हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP में सभी देशों में सहमति बनी है, यानी UNEP जो संयुक्त राष्ट्र
संघ पर्यावरण का है, वहाँ सभी देशों की जो सहमति बनी है UNEP का, उसमें जो 1986 के स्तर तक सीमित रखा गया, यानी CFC के जो स्तर को 1986 के स्तर तक सीमित रखा जाए, क्योटो प्रोटोकॉल जिस नाम से जिसे जाना जाता है, जो सम्मेलन होता है, और ये पूरे विश्व में एक ओजोन परत को क्षरण हो रहा है उसको रोकने के लिए ये क्योटो प्रोटोकॉल किया जाता है, राइट। अब देखिए पूरे विश्व में अब सभी ऐसी AC तथा फ्रिज उत्पादक कंपनियां के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया कि CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुक्त उपकरण बनाएं। कैसा बनाएं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन उस उपकरण में, जैसा कि अभी आपके पास AC होगा, ठीक है, फ्रिज होगा, उसमें नहीं होना चाहिए। और इसके लिए एक दूसरा सम्मेलन हुआ था जिसमें HFC आया था। HFC जो मैं ये एडवांस नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ, HFC क्या होता है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्या होता है? जैसे कि CFC अगर 80% ओजोन लेयर को डिप्लेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है? ओनली 5% जो है ना रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो आइए, अब आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं जिसे देखते हैं, ओजोन क्या है तथा ये हमारे लिए कैसे उपयोगी होते हैं, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, CFC तथा UNEP का पूरा नाम लिखिए। उसके बाद आप ओजोन परत द्वारा कौन से विकिरण अवशोषित किए जाते हैं, और उसके बाद वायुमंडल में ओजोन निर्माण कैसे होता है। तो चलिए इसके आंसर को आप देखते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th विज्ञान वर्कशीट 71 का आंसर। तो आप देख पा रहे हैं जैसा कि ओजोन क्या है तथा यह हमारे लिए कैसे उपयोगी है। तो ओजोन ऑक्सीजन का एक रूप है, इसका आणविक सूत्र जो है ना O3 होता है, आप ऐसे ही इसे लिखेंगे, राइट। O3 होता है, यह वायुमंडल में उच्च स्तर पर मौजूद है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी यानी UV किरणों के हानिकारक प्रभावों से पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करता है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हम जो ठीक है रक्षा करता है, और यह जीवों की स्वास्थ्य हानियों जैसे त्वचा कैंसर होता है, मोतियाबिंद होता है, पौधों का नाश आदि से रक्षा करता है, राइट। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, CFC तथा UNEP का पूरा नाम लिखे, यानी CFC का होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, UNEP का होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संघ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे, और ये वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें ताकि मुझे पता चलता है आप लोग कितना एक्टिव होकर के सीरियसली पढ़ रहे हैं, और कौन कौन बच्चा है जो सीरियसली पढ़ रहा है, क्योंकि अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ेंगे तो यू कैन डू बेटर इन योर लाइफ। क्वेश्चन नंबर 3, ओजोन परत द्वारा कौन सी विकिरण में अवशोषित किया जाते हैं, यानी कि ओजोन परत यानी O3 जिसको आपको ऐसे लिखना है O3, राइट, ये सूर्य के हानिकारक प्रावैग्नी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है जिसे यूवी किरण भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट VVI है, वायुमंडल में ओजोन निर्माण कैसे होता है। तो ओजोन का निर्माण निम्न प्रकार रासायनिक क्रिया का परिणाम है, जैसे O3 यानी 1800 अंगस्टम टू 2000 अंगस्टम जो है ना, ये H2 के उपस्थिति में O+O ये बनता है। फिर आणविक ऑक्सीकरण का टूटना O2, ये क्या होता है, O+ में तो O3 बन जाता है, ये ओजोन बन जाता है, राइट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।